छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज 27 सितंबर से पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली गिरौदपुरी से पूजा अर्चना कर पैदल मार्च निकाली जाएगी। इस दौरान कानून व्यवस्था और सरकार की नाकामियों को जनता को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे अच्छी न्याय यात्रा होगी। इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही दीपक बैज ने अरुण साव के बयान पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ देश की सेवा के लिए कुर्बान होने वाला वो सैनिक अपराधियों से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। राजधानी जैसे जगह उनकी दांत को मतलब इतना हमला करते हैं कि उनकी दांत टूट जाती है। मतलब अपराधी पुलिस और पुलिस प्रशासन को नहीं डर रही है। आखिर इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या आपने संरक्षण दिया है उनको? आपके इशारे पे हो रही है क्या? कहीं टारगेट किलिंग के लिए आपने टारगेट तो नहीं रखा? मतलब इस सरकार में अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी का पूरा श्रेय है, सिर पे बिठा के रखा है अपराधियों को, इसलिए पुलिस के जवानों पर भी हमला कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में, मैं समझता हूं पूरे देश में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बदतर हो चुकी है कानून व्यवस्थाओं के नाम से। इसलिए ये न्याय यात्रा इन सब मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी 6 दिवसीय निकालने जा रहा है।